अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी शादी के बैंगल्स। तो जो मेरी शादी का चूड़ा था ना, वो आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो आप बताइएगा आपको कैसा। तो ये चूड़ियाँ जो है ना, मेरे दूल्हा भाई ने दी थी मुझको शादी वाली। मैं दिखाती हूँ आपको एक घर की। ये देखिए, इस पे ना मेरे हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है, हीरा असलम। और इधर से हम थोड़ा सा मोड़ेंगे तो यहाँ लिखा है चांद, असलम और चांद। पुरानी याद है ना, असलम। और इसे हम गोल गोल है या चांद। तो थोड़ी सी वीडियो ऐसे बना लेती हूँ और थोड़ी सी ऐसे बना लेती हूँ। किसी लाल ड्रेस बनाऊँ ना कोई, यानी कि रेड कलर की ड्रेस, तो उसके ऊपर पहन जाऊँ, अभी भी चमकती है। और ये वाला जो है ना, ये वाला चूड़ा मेरी है ना, नीले कलर का जो लहंगा था वलीमे का, तो उसके साथ का है। मज़ेदार। और यहाँ पे देखिए मानू को कैसे गुल्लू के ना पैरों के ऊपर है ना, यानी कि लोट पोट हो रही थी। आजकल ऐसे गुल्लू के ऊपर बहुत प्यार आ रहा है। वैसे ना पहले डर के भाग जाती थी इनसे, पता नहीं क्यों डरती थी, लेकिन अब जो है ना, ये देखिए उनके ना पैरों में ऐसे ऐसे अपना मुँह रगड़ती है और बहुत ही प्यारी लग रही थी। अब इसकी शक्ल भी जो है ना, वो प्यारी होती जा रही है, थोड़ी बड़ी हो रही है ना माशाल्लाह से मेरी मानू। ये अलग अलग ऐसी बहुत देर तक, यानी कि इनके पैरों में ना ऐसे ही लोट पोट होती रही, बहुत ही प्यारी लगती है ऐसे जब करती है ना। और मेरे पास नहीं आती, इनके पास ज़्यादा जाती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगी। तो ये पता नहीं मुझे कौन सी क्लिप में ये वाली लगाऊंगी मैं। तो आपके लिए ये पेशे खिदमत है गर्मा गर्म चाय, और वहाँ पे हमारी मानू मानू बैठी हुई है। तो जो भी बाथरूम में जाता है ना, तो है ना बाथरूम की कुंडी कुछ अलग सी हो रही है, यानी कि दरवाज़ा सही होना है, यानी कि बहुत कसके बंद करना पड़ता है। तो मानू मानू जो है ना, जानू मानू, ये है ना एक लात मारती है और बाथरूम के अंदर घुस जाती है। तो ये हमारे साथ कर रही है आजकल सीन। तो ये देखिए, ये बढ़िया मज़ेदार सी अदरक वाली चाय है, मैंने अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए बनाई है। और हाथ मेरे ना एकदम ठंडे ठंडे हो रहे हैं, अभी आएंगे ना तो इनके मुंह पे लगाऊंगी, और फिर इस आपराधिक गतिविधि की क्या सज़ा मिलेगी मुझे कुछ पता नहीं है। ये देखिए, ये आदमी जो है, ये देखो इन्हें इतनी ठंड लग रही है, इतनी ठंड लग रही है कि मैं बता नहीं सकती। और देखिए मेरे हाथ एकदम सुन पड़े हैं, और ये घूंघट के नीचे कौन है कुछ पता नहीं चल रहा। ये देखिए, यानी कि चाय नाश्ता भी जो है ना इनका, कंबल के अंदर ही जा रहा है। ये देखिए आदमियों को कितनी सर्दी लग रही है, देख रहा, देख रहे हैं आप सब। देखिए इस आदमी को देखिए, ये एक आदमी है माशाल्लाह से, जवान आदमी, इतनी ठंड लगती है इनको बहुत ही ज़्यादा। और देखिए देखिए चाय चाय जो है, साथ में ही चाय का नाश्ता हो रहा है, वो भी कंबल के अंदर। छोटी सी मुन्ने सी बच्चे हैं कोई प्यारी, मैंगो है चेंगो है छोटा सा ही प्यारा, प्यारी प्यारी चेंगो तुम मैंगो है भैया। देखो एक आंख बंद करके बैठा हुआ, भाई खोलो खोलो भाई, दोनों आंखों को खोल के देखो भाई हमको, मेरे जेंगू मेंगू जेंगू मेंगू। तो यहाँ बन रहे हैं चावल, जिसमें मैंने डाले हैं एग्स, दो अंडे डाल दिए इसके अंदर। तो ऐसे मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, जिससे कि मैं कुछ अपने लिए नई नई चीज़ें बनाती रहती हूँ। और यहाँ पे किचन तो वैसे साफ ही पड़ा हुआ है, बस थोड़े से बर्तन हैं जो मुझे धोने हैं, वो बर्तन, क्योंकि मैं अभी ठंडे पानी में हाथ नहीं डाल सकती, ओ सर्दी के मारे बन मेरी कर गई कुकड़ी। और यहाँ बैठा है मिस्टर जेंगो। मिस्टर जेंगो, अंडा खा लिया तुमने अपना? तो चेक करते हैं, अंडा नहीं खाया है, अभी भी पड़ा हुआ है अंडा। अंडा खाओ अपना, चलो अंडा खाओ, चलो 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 अंडा पंडा खाओ अपना, अंडा पंडा खाओ, अंडा पंडा, अंडा नहीं खाना तुम्हें अपना। गया है इनके बिस्किट का टाइम, तो एक स्कूप डाल देते हैं। चलो 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 खाओ, चलो खा लो दोनों। आज कितने नहीं क्या हो रहा है, इसे इन्हें दो बार उल्टी कर दी है मानू ने, जानू मानू ने। सुबह बिस्किट निकाल दिए, इसलिए मैं थोड़े ही दे रही हूँ उनको, जब ये खा लेंगे ना जब दूंगी। मैंने कर ली है, सब कुछ साफ़ कर लिया है। यहाँ पर है ना आजकल ये आके बैठ रही है, वैसे हम बिठाते नहीं है इसे यहाँ पे,
क्योंकि बिस्तरों में बाल चिपक जाते हैं, इनका बिस्तर बाहर है लेकिन ये दिन में आकर जैसे मैं सोती हूँ ना तो यहाँ बैठ जाती है, इसलिए मैंने इसके लिए यहाँ बिछा दिया, जैसे बाल चिपके तो इस पर चिपक जाएंगे। और ये देखिए अभी यहाँ बैठी हुई है, अभी मैं बाहर जाऊँगी ना जब बैठ जाएगी तो पूरे घर की देखो सफाई तो हो गई है, तो कमरे का लुक कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब ये ना अलमारी के ऊपर बहुत सारा सामान रखा है, इसे भी हटाना है, तो मैं मेरे हस्बैंड किसी दिन ना टाइम मिलेगा ना तो फिर इसे हटा देंगे इस सामान को यहाँ से। सिर्फ मेरी मेकअप वैनिटी जो है ये रखी रहेगी, और यहाँ मेरे ज्वेलरी बॉक्स और ये स्पीकर्स और एक मेडिसिन का बॉक्स, तो वो तो हम साइड में यहाँ नीचे रख लेंगे, ये एकदम साफ़ सुथरा हो जाएगा। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? बदतमीजी करोगे, बदतमीजी करोगे, लो लो लो, बदतमीजी नहीं कर रहा बेचारे को, इसी पे कर रखा है मैंने। यहाँ रख दिया मेरा पर्स और इसके अंदर मुझे सामान लेकर आई हूँ, देखती हूँ क्या चीज़ लेकर आई हूँ। भारी है इसके अंदर है चावल और हमारा सर्फ, और सर्फ कह रही हूँ घड़ी साबुन, और इसके अंदर चावल है और नमकीन लाई हूँ, खाने का दिल कर रहा था मेरा, और लहसुन अदरक कितना महंगा हो रहा है ना, कम होने का नाम ही नहीं है, तो लहसुन लाई हूँ, अदरक और हरी मिर्च एक एक पाव है तीनों चीज़ें, और क्या लाए हैं, और लाए हूँ ये पापड़ कटोरी, दो तरीके के पापड़ हैं, और ये रहे हमारे आलू, तो आलू भी दिए उन्होंने 20 के 125 किलो, ज़्यादा नहीं लेने थे मुझे, बस थोड़ा सा ही सामान है, और इसी में ही 300 रुपये खर्च हो गए। कुछ है सामान ये 300 रुपये पूरे पूरे है, कैसे करूँ 300 रुपये, और इन बिल्लियों की ग्रेवी भी नहीं आ पाई, पैसे ख़त्म हो गए मार्केट में। इसको ना फ्रिज में रख देती हूँ, क्या क्या कर, अरे ये तो कितने बड़े बड़े हो गए, मैंने सोचा नहीं था इतने मोटे मोटे जाएंगे फूल के, ये तो छोटे छोटे बनाए थे। चलो कोई नहीं, बस तैयारी होने वाले हैं, ये बना रही हूँ चिकन के कोफ्ते और आलू डाले इसके अंदर, देखते हैं ढक के रख देती हूँ। कहाँ से खुलता है, चलो इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा गरम मसाला और गार्निशिंग कर देते हैं थोड़े से हरा धनिया, क्योंकि मेरे पास बस ज़रा सा सही है हरा धनिया, क्योंकि इनको तो पसंद ही नहीं है, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डालती। तो ये जो है रेडी हो गए हैं, अब आएंगे और खाएंगे और बताएंगे कैसे बने। तो सारा काम करने के बाद यानी कि रोटी और सालन बनाने के बाद जो चूल्हा वगैरह साफ़ करते हैं और यानी कि बर्तन वर्तन धो देते हैं, तो वो सब चीज़ें हो चुकी हैं, तो बस अब खाना गरम करना है और अपने हस्बैंड को सर्व करना है, और जो थोड़े बहुत बर्तन होंगे, एक दो बर्तन होते हैं तो वो फिर बाद में धुल जाएंगे, वरना तो पूरा किचन जो है बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है। तो चलिए अब मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं, तो मैंने सालन गरम करने के लिए रख दिया हल्की आँच पर, अच्छी तरीके से गरम कर लूँगी, तो ये सालन मेरा गरम हो गया है, अब जल्दी से लगा लूँगी दस्तरखान, क्योंकि हमें रात को खाने में हो जाता है बहुत लेट। तो अब मेरे हस्बैंड निकाल लें सालन, तो अभी मुझे बताएंगे कि कैसा बना है। मुझे तो एक कोफ्ता बताऊँ, मैंने खा के देखा था, मुझे तो बहुत टेस्टी लग रहा था, अब ये खा के बताएंगे, पहले ये बताते हैं फिर उसके बाद मैं खाना खाती हूँ, और मुझे तो बहुत टेस्टी लग रहे थे और मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो अब खाना खा लेते हैं। क्या कह रहे हो गुल्लू, बोलना बोलना, क्या खुजाने हो कह रहे हो? ऐसे ना मेरा सर खुजाओ, खाल ना हटा देना, बदतमीजी ना करना, चांद बेबी मैं तुम्हें मारूंगा, सर खुजाती हूँ धीरे धीरे से, घंटों घंटों तक मैं मना नहीं करता, डंग 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 डंग। आगे आने लगलू मुझे।